Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के एलिमिनेशन चेंबर 2024 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। गाइस जैसे कि हमको पता है कि गाइस ये जो प्रीमियम लाइव इवेंट है गाइस ये एक ही हफ्ता दूर है, एक हफ्ते में हमको दिखने वाला है WWE का एलिमिनेशन चेंबर 2024 का प्रीमियम लाइव इवेंट। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस जो रेसलमेनिया 40 गाइस उसके पहले गाइस ये उनका लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, हमको मार्च में कोई इवेंट नहीं दिखने वाला WWE का और सीधा गाइस इसका हमको रेसलमेनिया ही दिखने वाला है। तो गाइस जो भी आप बड़े धमाके एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस वो आप गाइस एलिमिनेशन चेंबर में ही एक्सपेक्ट करो। आज के इस एपिसोड में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि तीन बड़े सरप्राइजेस जो कि हमको दिख सकते हैं और शॉक कर सकते हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप WWE के बहुत ही बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के हम लोग नंबर 3 पे बात करने वाले हैं WWE के वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में कि जो भी बंडी गाइस ये मैच जीतेगी वो रेसलमेनिया 40 में हमारी मामी रिया रिपली को फेस करेगी फॉर द WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। गाइस अभी के लिए गाइस जो कंफर्म पार्टिसिपेंट्स है मैच में गाइस वो है नेओमी, ट्रिफनी स्ट्राइडन, बेकी लिंच, मॉर्गन एंड बियांका बेलर। एक और स्पॉट बचा है मैच में, जो एक स्पॉट बचा नहीं आप समझ लो गाइस वो तो विनर नहीं होने वाला है। गाइस जो दो पॉसिबल गाइस ऑप्शंस निकल के आते हैं ये मैच के विनर के लिए गाइस वो है लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच। अभी मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेकी लिंच ही हमको ये मैच जीतते हुए दिखने वाले है, जो मुझे भी पहले लगा था लेकिन लिव मॉर्गन के रिटर्न के पहले लगता था। गाइस लिव मॉर्गन आपको पता लगा गाइस लिव मॉर्गन इतने महीने बाहर थी WWE से क्योंकि गाइस उनको रिया रिपली ने इंजर किया था एज पर WWE स्टोरी लाइन। एंड गाइस WWE के स्टोरी लाइन में दिखा था कि गाइस रिया रिपली ने गाइस लिव मॉर्गन की इतनी गंदी पिटाई की कि गाइस वो इतने महीनों तक गाइस WWE से बाहर थी और इसलिए गाइस लिव मॉर्गन ने बोला है कि उन्होंने उनका रिवेंज टूर चालू किया है जहां पे वो रिवेंज लेने वाली है हमारी मामी रिया रिपली से, जहां पे वो उनको इवेंचुअली हरा के उनकी चैंपियनशिप उनसे ले लेगी। और दूसरा गाइस बेकी लिंच का नाम क्यों निकल रहा है वो पता है कि गाइस रेसलमेनिया है WWE का साल का सबसे बड़ा इवेंट और जो रिया रिपली वर्सेस बेकी लिंच का मैच है गाइस वो एक बहुत बड़ा ड्रीम मैच है WWE के वुमेन्स डिवीजन में, इसलिए इसके भी चांसेस है कि WWE ये मैच के साथ भी जा सकती है। अगर आप मुझे पूछोगे मैं लिव मॉर्गन और बेकी लिंच में से किसको पिक करूंगा, मुझे लगा वो बेकी लिंच ही नाम रहेगा। अगर आप समझो गाइस रेसलमेनिया जैसी बड़ी स्टेज है और गाइस बहुत लोगों को एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल मैच लग सकता है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिपली का और बेकी लिंच वर्सेस रिया रिपली गाइस एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है। इसलिए गाइस मेरे प्रेडिक्शन रहने वाली है कि मैच में जो कि हमारी द मैन बेकी लिंच गाइस वो हमको जीतते हुए दिखने वाली है ये वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच और फिर वो हमको रेसलमेनिया 40 में फेस करते हुए दिखने वाली है हमारी मामी रिया रिपली को फॉर द WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिर गाइस नंबर 2 पे हम लोग बात करने वाले एक सेगमेंट के बारे में ये जो WWE ने ऑफिशियली अनाउंस किया है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट विद द करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेट फ्रीकिन रॉलिंस एंड रॉयल रंबल 2023 और 24 के विनर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। गाइस WWE वालों ने बहुत ही सोचा रहेगा कि हम लोग कैसे सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को फीचर करें एलिमिनेशन चेंबर में। आपको पता है गाइस ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है जो कि एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में भी होने वाला इवेंट और उनको गाइस बड़े नाम से चाहिए हो गया और इसलिए गाइस WWE ने बहुत सोच समझ के विचार किया रहेगा कि हम लोग कैसे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स जैसे बड़े बड़े स्टार्स को ये शो में फीचर करें। और ग्रेसन वाला इफेक्ट जो कि गाइस ग्रेसन वाला खुद ही ऑस्ट्रेलिया में बिलोंग करते गाइस उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। गाइस ये बहुत ही सही डिसीजन है गाइस WWE वालों गाइस गाइस ये सेगमेंट में गाइस हमको एक बहुत ही बड़ा इंटरफेरेंस दिख सकता है जो कि हो सकता है द ब्लड लाइन में जिसमें गाइस रोमन रेंस, सोलो सिकोवा एंड जिमी उसो और जो कि हमारे ब्लड लाइन के नए मेंबर है गाइस द रॉक भी गाइस हमको ये सेगमेंट में इन्वॉल्व होते हुए दिखने वाला है। गाइस जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है गाइस वो WWE से बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही है कि वो द रॉक को ऑस्ट्रेलिया में लेके आए, तो पॉसिबली गाइस ये सेगमेंट के द्वारा गाइस WWE वाले द रॉक को लाते हुए दिख सकती है।
एलिमिनेशन चेंबर में। हमको पता है गाइस द रॉक कितना बड़ा नाम है पूरे दुनिया में, इसलिए गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइस बहुत ही अच्छे से फायदा उठाने वाले को। पता है गाइस द रॉक मोस्ट प्रोबेबली गाइस 2024 और 2025 के स्टार्टिंग तक तो हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखने वाले हैं। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा गाइस रॉक का यूज करने वाली है उनका मार्केटिंग करने के लिए। इधर मुझे बिल्कुल भी बोलने की कोई जरूरत नहीं, गाइस द रॉक हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर है, हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर मतलब दुनिया के सबसे बड़े एक्टर है। तो गाइस इसलिए कह सकते हो रॉक का आप सबसे ज्यादा फीचर करते हो, जितना आप समझ लो आपका नाम सब जगह रहेगा। इसी का समझो रॉक और रोमन रेंस ये सेगमेंट में इन्वॉल्व होते हुए दिखने वाले हैं। और थोड़े से गाइस रूमर्स है कि गाइस पॉसिबली जो हमको रेसलमेनिया 40 में नाइट वन में जो गाइस मैच रूमर है जहां पे द रॉक एंड रोमन रेंस एक टीम में होने वाले हैं और दूसरे टीम में होने वाले हैं हमारे अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस। गाइस ये है हमको पॉसिबली टैग टीम मैच गाइस नाइट वन को मेन इवेंट करते हुए देख सकते हैं, फिर जहां पे नाइट टू पे रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का हमको मैच देख सकता है। और बहुत ही लोग गाइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको गाइस रेसल 40 के नाइट वन के इवेंट में ये टैग टीम मैच देख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये मैच अभी क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो गाइस जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना गाइस तब से कैसे कि हाइप बहुत बढ़ गई कि टैग टीम मैच होना चाहिए। और दूसरा गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कैसे भी करके द रॉक को रेसलमेनिया 40 में फीचर करना है। आपको पता है ओरिजिनल उनका नाम जो प्लान था गाइस वो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के लिए था, लेकिन सिंस वो फैंस के फालतूगिरी के वजह से गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई को द रॉक वर्सेस रोमन रेंस कैंसिल करना पड़ा ये साल के लिए, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। गाइस द रॉक को फीचर करने के लिए रसल में 40 हमको एक टैग टीम मैच होते हुए दिखेगा जो कि नाइट वन को मेन इवेंट करेगा। इसलिए गाइस पॉसिबली ये जो ग्रेसन वाला इफेक्ट है गाइस वहां पे हमको ये बड़ा मैच ऑफिशियल होते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा हाईलाइट बन के आ सकता है ये पूरे एलिमिनेशन चेंबर के प्रीमियम लाइव इवेंट्स है। फिर गाइस नंबर वन पे हम लोग बात करने वाले हैं शो के मेन हाईलाइट शो के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है अ मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, जो कि बंडा जीतने का ये मैच वो फेस करेगा सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 40। और अभी के लिए गाइस जो ऑफिशियल कॉम्पिटिटर्स है सब अनाउंस हुए हैं ये मैच में गाइस, वो है हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन, फिर द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर, फिर द करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल, फिर द ऑलमाइटी बॉबी लैशली, फिर एल ए नाइट एंड द प्राइस फाइटर केविन ओवेंस। डेफिनेटली गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने गाइस ये जो एलिमिनेशन चेंबर का जो मैच अनाउंस किया गया जो पूरा एक हमको स्टैक्ड एलिमिनेशन चेंबर मैच बनने के पहले कैसे गाइस मैच बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता था, लेकिन गाइस ये मैच में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर है गाइस वो बहुत ही होने वाला है। पर गाइस पहले तो मैं इसके बारे में बात करने के पहले ना गाइस मैं आपको सीधा गाइस कुछ ऐसे नाम बोल देता हूं कि जिनके चांसेस बहुत ही कम है मैच में जीतने के, जो कि है एलए नाइट, लोगन पॉल, बॉबी लैशली एंड केविन ओवेंस। अभी गाइस मैं आपको हर एक का एक पर्सनल रीजन बोल देता हूं। बॉबी लैशली कैरियन क्रॉस के साथ फ्यूड में बिजी है और अभी फिलहाल गाइस देख के लगता नहीं कि डब्ल्यू गाइस बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करने वाली है। और जो एलए नाइट गाइस वो रिसेंटली गाइस बैक टू बैक गाइस वर्ल्ड टाइटल मैचेस हारे हैं रोमन रेंस के सामने क्राउन जूल और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के इवेंट में। और फिर हमारे केविन ओवेंस गाइस वो लोगन पॉल के साथ इन्वेस्टेड है फ्यूज में, उनका पॉसिबली लोगन पॉल के साथ मैच हो सकता है जैसे मेरा 40 में फॉर द यूएस चैंपियनशिप, इसलिए गाइस चांस है कि लोगन पॉल और केविन ओवेंस उनके मैच जीतते हुए ना दिखे। इसलिए गाइस जो ही हम ये मैच में निकल के आते हैं जो कि है हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। बहुत ही फैंस को लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर मोस्ट प्रोबेबली मैच जीतते हुए दिख सकेंगे, इस चांसेस है कि ड्रू मैकइंटायर हमको पॉसिबली मैच जीतते हुए ना दिखे। मेन रीजन गाइस ये गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने गाइस पहले से ही सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के हमको दो सिंगल्स मैचेस दिखाया है, जहां पे गाइस हमारे सेथ रॉलिंस ने बहुत ही क्लीन हराया है ड्रू मैकइंटायर को। और जैसे कि हमको पता है गाइस रेसलमेनिया इज मेंट फॉर बिगर मैचेस, और ये गाइस मैच भी इतना बड़ा मैच नहीं लगता है जितना पहले लगता था, सिंस गाइस दोनों बार हुआ है और दोनों बार गाइस हमारे ड्रू मैकइंटायर क्लीन हारे हैं। इसलिए गाइस चांसेस बहुत ही कम है कि गाइस हमको ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच फिर से दिखा सकती है। इसलिए गाइस एक ही प्रेडिक्टेबल नाम निकल के आता है जो कि है वाइपर रैंडी ऑर्टन का। गाइस अभी फिलहाल जो कि हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन है गाइस वो रोस्टर पे किसके साथ भी फ्यूड नहीं कर रहे हैं, और सिंस गाइस डब्ल्यू वालों को वर्ल्ड हेवी चैंपियनशिप को प्रेस्टीज देनी है तो उनको रैंडी ऑर्टन जैसा नाम पक्का एक लगेगा अगर उनको एक बड़ा मैच तैयार करना है मीना 40 में फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है कि जो कि हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन गाइस ये मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतते हुए दिखने वाले, फिर वो रेसलमेनिया 40 में फेस करेंगे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।